ओ माय गॉड, जुमे पे जा रहे होगा, हराम पत्तियां मत करवाओ। पाकिस्तानी यो मा निशो, पाकिस्तानी यो मा इतने इतने मा निशो शो शो खुशामदीद तुम सोए हुए, जुमे पे नहीं जाना, उठ। और पीछे वो अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खुश होंगे, खैरियत से होंगे और खुशियां बांट रहे होंगे। आज जुमातुल विदा है और हमने अभी जुमा नमाज के लिए जाना है। 11:30 बजे यहाँ से निकलेंगे। माइट भी आज हम बस पकड़ें या टैक्सी वगैरह। यहाँ पे वैसे कैब को ना दीदी कहते हैं, दीदी इनकी एक एप्लीकेशन है, वो पकड़ के ना हम जुमा नमाज पर जाते होते हैं। वैसे यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें वगैरह भी चलती हैं जो कि दूसरे जो मज़ाफात हैं वहाँ पे जाती हैं। जहाँ हम जुमा नमाज़ पढ़ने जाते हैं उस जगह का नाम पीशियान है, तो हम आज उधर जुमा नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जो दोस्त मेरे हैं, दोस्त अहबाब माशाल्लाह, वो अभी सोए हुए हैं, तो अभी उनके रूम में चलते हैं, मैं उनको जगाता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह, पूरा सफ़र भी दिखाएँगे जुमे का। अदा मेरे को लगता है कहने अदा कह नहीं। वे चले अभी चलते हैं मौलाना अरशद रूमी के पास, उसका दरवाज़ा नॉक करते हैं। देख ये जनाब अरशद का रूम है, यहाँ पे सफाई का ना अवार्ड मिला हुआ है इस रूम को, साफ सुथरा रूम होने का। अरशद को नहीं मिला पहले किसी ज़माने में। हाजी साहब उतरे जुमे जाना, चलो नहीं तो तेरे बाप बेली है रोज ले आए भाई के जाना, हाजी साहब ने ले जाओ, बड़े हाजी साहब ने, बड़े हाजी साहब राज रुक गए की कर, हाजी साहब को गड्डी दे दे, गड्डी दे भाई साहब ने टोरो। मेरे हाफिज साहब हैं, शायद पहले कभी व्लॉग में नहीं आए, मैं दूंगा नहीं हूं बोल अच्छा। सकता हूं सलाम अलैकुम मेरा भाई, यस भाईजान कैसे है भाईजान? ये नवाब भाई हैं, जुमे की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं मेरा भाई, जुमे पे चल रहे हैं। मलिक साहब उन्हें उठाओ, जुमे बन रही है, बन रही है, यस वीडियो बन रही है। हाजी साहब बड़े हाजी साहब, जुमे की तैयारी करो, टाइम तैयार है। अभी चलते हैं ऊपर कुमैल के रूम में, तो जुमा तो विदा है, और कुछ नहीं तो इन्होंने जुमे तो उठाने का सवाब लग जाएगा। कुमैल इसकी इधर चाबी पड़ी होती है, तुम सोए हुए हैं, जुमे पे नहीं जाना, उठ। पाकिस्तानी स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, यहाँ पे सर उठ पुत्र जुमे पे जाना है, शाबाश मेरा भाई, उठो तैयारी करो जुमे पे जाओ, व्लॉग में आ गए हो, यूट्यूब पे आओगे आप, सोए रहते हो घर वाले पाकिस्तान में, देखेंगे सोए रहते हैं। हम फारिग हो गए, ऐसे फारिग है सबको उठाया हूँ मैं, कोई रहता है यार अली हसनैन रहता है, अली हसनैन, अली हसनैन नमाजी आदमी है माशाल्लाह, वो जाग रहा होगा। वो मैं आज मेरी मीटिंग थी, तो मीटिंग पे मैं पहले ही नहा धो के गया था गुस्ल करके, तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो अभी बस जूता शूता पहनते हैं और चलते हैं। शफीक जान जाग रहे हो, जुमे पे नहीं जाना, ये शफीक जान है। अच्छा बहुत कम लोग होते हैं जिनकी उनकी अपने नाम के साथ मुशाबियत होती है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह कुछ लोगों का नाम जमील होता है, हाँ। लेकिन वो हसीनो जमील नहीं होते, नहीं होते। मैं किसी का नाम अगर जमील हो तो मैं कतन, मेरे कहने का ये मकसद नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था इस बंदे का नाम शफीक है और मैं ये पहली दफ़ा इस बंदे को बावर कराना चाह रहा हूँ, ये वाकई शफीक है, ये दिल का इंतहाई शफीक इंसान है, ये वाकई शफीक है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, I love that person, really. I love you. चलो चल पुत्र तैयारी करो, चलते हैं जी। अभी ये आप देख सकते हैं पीछे हमारी डॉम है, ये पीछे नुमान शेवार है, सोया हुआ आदमी, और क्या वो मैं सोया नहीं हूँ, और पीछे वो
अस्तगफिरुल्लाह। ओ असद मलिया आ रहा है, उसका वेट कर रहे हैं। मैं ये वीडियो में आप लोगों को गवाह बना के ना इनको दो दो युआन दे रहा हूँ। ये लो ईदी, ये लो दो हैं बस भाई ने दो युआन दिए हैं, बहुत अमीर है यूट्यूब के पहले दो युआन दो बस बहुत है तुझे बेगर के नॉट विद चूजर। चलो थैंक यू ये ईदी है तुम्हारी, दवा जाओ हमारे से दो दो युआन लेके कहते हो हम वापस दे रहे हो बस कर रहे हो। ये इधर कोई मेला शेला लगा हुआ है, चीनी का मेला है। पता नहीं यार ये क्या कैसी गाँव है ये, घूम के जा रहे हो। ओ माय गॉड, जुमे पे जा रहे होगा, हराम पत्तियां मत करवाओ। ये इनके कोई फोटोग्राफर का ना, फोटोग्राफर्स का ग्रुप है ये। चल बजा, मुझे नहीं आता। नहीं आता नहीं, वो स्टिक वाला है। मांग ले मांग ले, नंबर नंबर मांग ले, आईडी आईडी मांग ले। ये आप देख सकते हैं ये चाइना की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस है। ये सारे मुसलमान भाई माशाल्लाह जुमे बजा रहे हैं। वो कुमैल है, मलिक असद साहब, ये नुमान शुएब, और ये जो वीडियो बना रहे हैं कैमरा मैन, वो हम आपको नहीं दिखा सकते। ये सजाद हैं और ये सजाद भाई है। ये आप भाई बस तो दिखाना, सारी भाई बस दिखाओ भाई साहब को, बस दिखाओ। हम इतने गरीब हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं। चुप रहो, चुप चुप, बिल्कुल चुप। मान भाई बोलना चाहते हैं। असल में जो हमारे यहाँ चंदू में मस्जिद है वो हमारे एरिया से 20 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए बस हमें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। बस कर तू चुप कर। यहाँ जो बाइक्स हैं वो चार्जिंग वाली है, हमारी बाइक्स में चार्जिंग नहीं है। और एक भाई हमारा जो है वो पहले बाइक लेके चार्जिंग वाली गया है, और हम डर रहे हैं कि उसका रोजा खराब हो जाए, रास्ते में आ रहा है। और अभी हम वहाँ पे पीछे पहुँचते हैं, फिर आपको मस्जिद का दीदार करवाएंगे। तब तक के मिलते हैं, बैटरी बचानी है क्योंकि बैटरी खत्म है। ये हम माशाल्लाह पहुँच गए हैं सारे पाकिस्तानी। ये हमारे चाइनीज भाई हैं, मुसलमान हैं। ये हमारी बहनें हैं चाइनीज जो मुसलमान हैं। ये माशाल्लाह अभी इंटर हो रहे हैं यहाँ से नमाज जुमा के लिए। आप देख सकते हैं मस्जिद की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है मस्जिद की। यहाँ कोविड की वजह से ना, यहाँ पे जब भी आते हैं यहाँ पे एंट्री करनी होती है, और ये कोड है यहाँ पे स्कैन करने होते हैं, उसके बाद जाना होता है अंदर, ये रिकॉर्ड होता है। ये देखें जनाब, माशाल्लाह से मस्जिद की कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है। अभी हमने उनसे पूछा है ईद नमाज का, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इस दफ़ा ईद नमाज का अहतमाम नहीं है। और एक और मस्जिद है तियानफू में, वहाँ पे भी पूछा है, वहाँ पे भी नहीं है। अब देखें अल्लाह पाक खैर फरमाए, अल्लाह करे कोई अहतमाम हो जाए, किसी और मस्जिद में पता करेंगे। यहाँ करीब करीब हमें ये दो मस्जिदें ही पड़ती हैं। चंदू यहाँ से 28 किलोमीटर है हमारे यूनिवर्सिटी की लोकेशन से, और ये वाली जगह तकरीबन है 18 किलोमीटर है। तो बहरहाल अल्लाह पाक खैर फरमाए, वज़ू करते हैं और जुमा नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा, ये मस्जिद में फतराने का एक डब्बा रखा गया, अगर कोई फतराना देना चाहे तो ये है। और ये है मस्जिद की कंस्ट्रक्शन का, इन्होंने पहली दफ़ा ही मैंने देखा है। वैसे चंदा यहाँ पे नहीं लेते इकट्ठा करते। तकरीबन कितने युवान होंगे इसमें अंदाजे के मुताबिक? तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक इसमें 3 से 4 हज़ार युवान होंगे, आलमोस्ट पाकिस्तानी 1.25 लाख रुपये। हाँ तो अगर पाकिस्तान में ये डब्बा पड़ा होता तो कहाँ होता इस वक्त, लबना पड़ना से। ये हमारा यूनिवर्सिटी के सामने इसकी दुकान है, इसका नाम मोहम्मद यूसुफ है, ये चीना है, और इसका एक रेस्टोरेंट है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकात, खुश आमदीद। निशो बाजिस्तानी यो मा, निशो बाजिस्तानी यो मा, इतने इतने मा जी, निशो शो शो, खुश आमदीद। वीडियो बना ले तू पहले, ये यार वीडियो तो बना, रुक जाएगा। ये यूसुफ भाई की गाड़ी है, वापसी पे नाम यूसुफ भाई के साथ जा रहे हैं, तो गपशप लगाएंगे। आ जाएं आ जाएं, आप भी आ जाएं आ जाएं। आज सौला
इस सीट बेल्ट जरूरी है दुआ, सफर की दुआ पढ़ लें। सुभान अल्लाह जी सफर बस में याद नहीं आई गाड़ी में याद आ गई ई को जिन लियांग युआन इगा युआन दा लियांग जिन जा बाजी से दा ई को युआन लियांग जिन दो तू दो क्या ही मा तू दो ये क्या ही मा तू दो 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 दा निम तो हो जाए तू दो दो सौ छह दा आठ सौ वो मन दा आठ सौ 30 rupees मुझे उड़ गई है बस बस खत्म करते हैं यार व्लॉग खत्म करते हैं। उम्मीद है यार आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें भी तुम भाइयों को हम सबको और ये यूसुफ भाई हैं हमारे चाइनीज मुसलमान हमारे मुसलमान भाई हैं तो हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आल्सो सब्सक्राइब माय ओन चैनल एक्सपेक्ट लाइफ भी दुकानदारी कर ले अपनी। चले मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब तो आपने करना नहीं होता अभी वैसे कभी कभी कह देते हैं कि कर दीजिएगा चलो इस दफा कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया देखने का जज़ाकअल्लाह हाफिज़।